सबके रूप में श्री भगवान ही आते हैं, चाहे वो माँ हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो। शरीर अलग अलग दिखाई देते हैं पर तत्व रूप में भगवान सबके हृदय में बैठे थे। जब आप अच्छे आचरण करोगे और मन में ग्लानी होगी, अब तक गलती हुई, मुझे मार्ग का पता नहीं था, संत कृपा से, शास्त्र कृपा से मुझे जो पता चला, अब मैं वो गलती नहीं करूँगा, और नाम जप कीजिए, तो इससे माता पिता जहाँ भी होंगे, जिस शरीर में होंगे, उनका मंगल होगा और अंततो गत्वा उनका परम कल्याण हो जाएगा। हमारे शास्त्र तो कहते हैं 21 पीढ़ी तर जाती है, फिर माता पिता तो बहुत नजदीक पड़ते हैं, इसलिए नाम जापक अपने माता पिता की क्या, 21 पीढ़ियों की क्या, वो एक भुवन को पावन कर सकता है जो भगवान का भक्त है, आश्रित है, पवित्र आचरण करता है, नाम जप करता है, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जग जाओ, जग जाओ, ये सब सोने में हो रहा था, जग जाओगे सब क्षमा हो जाएगा। मेरे प्रभु, मेरी प्रिया जो बहुत कृपालु है, खूब अच्छी समझ आ गई, बड़ी कृपा हुई, अब नाम जप करो और गलतियां भूल कर अब वो मत करो जो की है, आगे प्रभु ही संभालते हैं, उन्हीं का बल काम करता है, पर अपना निश्चय भी होना चाहिए।